क्रिकेट के दीवानों के लिए शुक्रवार काफी खास है क्योंकि क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर के जीवन से जुड़े कई पहलुओं से उनकी फिल्म ने पर्दा उठाया है। फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बनने की कहानी है। लेकिन आपको बता दें कि ये फिल्म भाग मिल्खा भाग या एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फीचर फिल्म नहीं है बल्कि एक डॉक्यू ड्रामा है। भले ही आप क्रिकेट या सचिन के बहुत बड़े प्रशंसक ना हो इसके बावजूद पूरी फिल्म में आपकी उत्सुकता बनी रहेगी। इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है जो न सिर्फ एक क्रिकेट फैन बल्कि एक नॉन क्रिकेट फैन भी जानना चाहेगा। जैसे सचिन जब जल्दी आउट हुए तो उन्होंने क्या सोचा, पाकिस्तानी टीम ने उन्हें पहली बार देखा तो क्या बोला, शेन वॉन की गेंदों का सामना करने के लिए उन्होंने क्या तैयारी की, या फिर उनकी पत्नी अंजलि और उनके बीच किस तरह हुई प्यार की शुरुआत। यानी इस फिल्म में बहुत से ऐसे अनछुए पहलू और किस्से हैं जो आपको शायद ना मालूम हो। फिल्म के निर्देशक जेम्स अर्स्काइन हैं और इसे जेम्स अर्स्काइन और शिव कुमार अनंत ने लिखा है। इस फिल्म को संगीत म्यूजिक मास्टर एआर रहमान ने दिया है। इस फिल्म की खामियों की बात करें तो इसमें सिर्फ दो जगह इसके स्क्रीन प्ले में छोटी छोटी खामियां लगी क्योंकि दो जगह सचिन की कहानी धारा प्रवाह चलते चलते झटके के साथ कहीं और चली जाती है। एक जगह जहां सचिन अपनी और टीम की बल्लेबाजी सुधारने की बात करते हैं और दूसरी जगह उनके कप्तान बनने पर टीम में जब असंतुष्टि की बात होती है। इसके अलावा बड़ी खूबसूरती से फिल्म आगे बढ़ती है। ये भले ही फीचर फिल्म ना हो लेकिन ये आपका मनोरंजन भी करती है, आपकी आंखें नम भी करती है और आपको तालियां बजाने पर मजबूर भी करती है। टीम इंडोलेंस।